ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक कमेंट्स आ रहे थे कि गुरु जी आप ये बताइए कि माता महाकाली के गले में जो नींबू की माला होती है वह कितने नींबू की माला होनी चाहिए, कौन से नींबू की होनी चाहिए और उन माला को पहनाने से क्या होता है, किस रीजन के कारण वह माला पहनाई जाती है। तो मैं इस विषय में आज आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है, बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये गुण राशि वाली बातें हैं, हर व्यक्ति को इस चीज का पता नहीं। आप नेट पर देखेंगे तो आपको अलग अलग उसके अलग अलग सारांश उसके मिलेंगे, अलग अलग उसके रूप बताए जाएंगे, भाई ये होता है वो होता है, लेकिन असली जो सही बात है वो बहुत ही कम व्यक्ति बताएंगे कि वास्तव में उसका रीजन क्या होता है, वास्तव में इसका कारण क्या होता है। मैं आज आपको असली चीज बताऊंगा कि वास्तव में माता महाकाली के गले में जो नींबू की माला पहनाई जाती है वो क्यों पहनाई जाती है, क्या उसका कारण होता है, और असली जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझना इसके। देखो ऐसा होता है, नींबू की जो माला होती है, नींबू ज्यादातर भेंट में चलता है, आप ये बस समझ लीजिए कि नींबू एक भेंट की वस्तु है। और दूसरी बात, नींबू के अंदर जो रस निकलता है और गोल नार की तरह होता है जो काटते हैं, तो वो एक किस्म से भेंट दी जाती है। तो ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, नींबू काटकर उस पर सिंदूर लगाकर लौंग लगाकर तंत्र क्रिया करके किसी के पास डाल दिया जाता है, या तंत्र क्रिया में इस प्रकार यह यूज किया जाता है, तो ये भेंट की तरह काम करता है। अब बात आती है कि माता महाकाली के गले में, सर्वप्रथम तो कि माता महाकाली के गले में कितनी नींबू की माला पहनाई जाती है, तो मैं इसके लिए आपको बता दे रहा हूँ, 51 नींबू की माला पहनाई जाती है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं 108 की पहनाई जाती है, कोई कितने की बताता है, कोई कितने की बताता है, कोई 77 की बताता है, 77 की, तो इस प्रकार अलग अलग सबका तरीका है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जाना समझा और आज तक इस चीज में, आज तक इस लाइन में जो मैंने समझा वो ये है कि 51 नींबू की माला होती है, और नींबू पीले कलर के होते हैं, हरे कलर के नहीं, पीले कलर के नींबू यूज किए जाते हैं, पके हुए नींबू यूज किए जाते हैं, कच्चे नींबू नहीं, पके हुए नींबू यूज किए जाते हैं, और काला उसमें धागा यूज किया जाता है, काले धागे से 51 नींबू की माला पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो माता महाकाली के गले में नरमुंडों की माला थी वो 51 नरमुंडों की माला थी। बहुत सारे भक्तों को ये चीज पता ही नहीं है कि कितने नरमुंड होते हैं, तो माता महाकाली के गले में जो नरमुंडों की माला थी उसमें 51 नरमुंड थे, और इसी तरह 51 नींबू की माला पहनाई जाती है। अब आते हैं मैन सोपे के, माता महाकाली को जो नींबू की माला पहनाई जाती है वो क्यों पहनाई जाती है, ये एक सवाल है जो आपका भेजा गया था। तो उसके पीछे देखो भाई, रीजन ये होता है, बहुत सारे भक्त तो ये बताते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को खुश करने के लिए ये चीज पहनाई जाती है, लेकिन ये चीज पहनाई जाती है, लेकिन भाई जो असली रीजन है वो ये है कि यदि कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में 11 शनिवार माता महाकाली को नींबू की 51 नींबू की माला पहनाई जाती है, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि माता मुझे उस दुश्मन से छुटकारा दिलाए, मुझे उस दुश्मन से छुटकारा दिलाए। या कोई समस्या आन पड़ी है, कोई संकट आपके ऊपर आन पड़ा है, कोई प्रॉब्लम आन पड़ी है, किसी भी तरह की कोई समस्या आन पड़ी है, मान लिया संकट का मतलब समझ लीजिए कि आपके घर में कोई बीमारी आ पड़ी है, आपका कोई बच्चा कोई कैद हो गया है, या अन्य कोई समस्या आपके ऊपर आन पड़ी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको तो उसके समाधान के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है कि 51 नींबू की माला माता महाकाली को पहनाई जाती है 11 शनिवार, और वहीं चरणों में बैठकर माता से विनती की जाती है। तो नींबू की माला संकट निवारण के लिए पहनाई जाती है, अपनी कोई संकट के लिए, कोई समस्या के लिए, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो उसके लिए ये नींबू की माला पहनाई जाती है, ये तरीका होता है, ना कि प्रसन्नता के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए नहीं। माता को प्रसन्न करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखे हैं और आगे भी बता दूंगा। तो ये जो है मेन चीज होता है संकट निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए ये कार्य किया जाता है, और इसी तरीके से कार्य करने पर 100% आप अपनी समस्या से मुक्त हो पाते हो, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से माता को, माता महाकाली को नींबू की माला चढ़ाकर अपने शत्रुओं से, अपने संकट से बचा जाता है। तो ये तरीका होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।